धन्यवाद सभी का जो यहाँ पे हम आए। एक क्रांतिकारी हमारे लीडर पत्रकार गौरीशंकर गौरी लंकेश जिनकी हत्याएं हुई, उनका चैरिटेबल ट्रस्ट जिन्होंने ये प्रोग्राम किया, चीफ मिनिस्टर साहब और हमारे सारे आंदोलन के साथी पत्रकार बंधु, हमारी बहनें और सभी जो लोग यहाँ पे आए हैं, पुलिस प्रशासन के लोग, एक माहौल देश में चला हुआ है। गौरी लंकेश भी उसी की भेंट चढ़ी और ये आज से नहीं, बहुत पहले से, करीब 10 साल पहले ये मुजफ्फरनगर में उत्तर प्रदेश में उसका ट्रायल हुआ। 17 में गौरी भेंट चढ़ी और अभी पिछले 5 दिन पहले जो हमारे किसान थे शुगर के, उनको जो पहले वाली सरकार में मंत्री रहे जिनकी शुगर फैक्ट्रियां हैं, उन्हें उन पे हमला करवाया, हालात खराब हैं उनकी भी। यहां पे भी वे कर्नाटक के अंदर भी उन्होंने पूरा ट्रायल किया कि यहां पे भी दंगा हो, यहां राम नहीं चले तो हनुमान जी का जिक्र यहां पे किया। बहुत चर्चा होती थी जो हिंदीवासी क्षेत्र है और वो कहते थे कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग भगवानों को लेकर जाएंगे, क्योंकि ऐसा लगता है कि बीजेपी ही भगवान परमात्मा शिव और हनुमान जी ये कहां कहां जाएंगे वो बीजेपी तय करती है और नागपुर आइडेंटिफाई करता है कि किसकी ड्यूटी कहां लगनी है। ऐसा नहीं है, हम यहां पर स्पीच देंगे तो हमारे खिलाफ अभी आने शुरू हो जाएंगे, उनकी जो टीम है वो हमारे खिलाफ बोलना शुरू करेगी। लेकिन हमने भी कहा उनको कि हम भी हिंदू हैं और आपसे बड़े हैं। हमारे हर गांव के जो लोग थे, वहां पर शिवालय होते थे, वहां पर मस्जिदें होती थी, वहां पर गुरुद्वारे होते थे, सबकी अपनी परंपराएं थी कि वो पूजा कैसे करेगा, ये संविधान में राइट्स दिए गए हैं हमको, लेकिन वे नहीं मानते। तो हमने भी कहा कि जिस हथियार से वे लड़ाई लड़ते हैं उसी से हम भी लड़ाई लड़ेंगे, हम कोई संकोच नहीं करेंगे कि हमको हिंदू कहने में कोई शर्म और डर भय हुआ है, लेकिन हम भारतीय हिंदू हैं, देश में भारतीय मुस्लिम हैं, भारतीय सिख हैं, भारतीय ईसाई हैं। वे जो हैं जो झगड़ा करते हैं वे नागपुरिया हैं तो नागपुरिया नाम उनका नहीं लेंगे, नौरंगिया उनको हम कहते हैं, वे वहां से एफिलेटेड हैं, वहां से वे होते हैं, उसमें सब तरह के लोग वहां पे हैं, उनके बहकाव में आने की जरूरत नहीं है। कर्नाटक के लोगों ने बहुत बड़ा मैसेज देश में दिया है, हम उनका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि सबकी नजरें कर्नाटक के अंदर थी चुनाव में, लेकिन उन्होंने उसका पूरा एजेंडे को फेल किया और अब देश में दूसरे स्टेटों में भी उम्मीद है कि लोग उनके एजेंडे पर नहीं चलेंगे, लेकिन बहुत लोगों को कुर्बानियां देनी पड़ेगी। यहां पर जिक्र आया, जब वे विदेशों में जाते हैं तो महात्मा गांधी का नाम लेते हैं, तो महात्मा गांधी की हत्या कैसे हुई थी वो भी जरा बता दे, जब विदेश में जाए किसने की थी, गौरी की हत्या किसने की है वो भी जरा बताएं, जो 750 किसान देश की राजधानी में शहीद हुए 13 महीने तक, एक देश की राजधानी को घेर के
पूरा देश का किसान वहां पर बैठा रहा, वहां पर 750 किसान शहीद हुए, तो वो भी बताना चाहिए कि किस राजा का राज था। लेकिन देश के किसानों ने एक बड़ा मैसेज दिया, वह लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई में कामयाबी मिली, लेकिन अभी और भी लड़ाई बाकी है। वो हम प्लेटफार्म पे जो किसान का, मजदूर का, देश के नौजवान, आदिवासियों का है, उस पर वो लड़ाई जारी हमारी है। हम वो लड़ाई अलग अलग जगह, अलग अलग प्लेटफार्म पे हमारा संघर्ष जारी है। मणिपुर के हमारे बहन आई यहां पे, उसकी भी बहुत जानकारी हमने ली, लेकिन जहां पे उनकी स्टेट होगी वहां पे क्या घटना होगी वो उसको जिक्र नहीं करेंगे, क्योंकि पूरा खेल माइनिंग का है। आपस में लड़ाएंगे, अडानी को माइनिंग देंगे, जंगलों से आदिवासियों को हटाएंगे। एक बड़ी साजिश देश में चली हुई है। ये मणिपुर की घटना है, बहुत लोग वहां पर नहीं जाएंगे। हम कश्मीर में गए, वहां के किसान जो सेब का व्यापारी है, सेब का किसान है, वो करीब 50,000 करोड़ रुपए का व्यापार सेब का करता है, वो मुस्लिम है वहां पर ज्यादातर। वहां पर टूरिज्म से 15% की आमदनी है और 85% वहां पे हॉर्टिकल्चर, फ्रूटिंग, वेजिटेबल, उससे वहां से आता है हमारे पास में, कृषि से आता है। उनका पिछले साल 2,000 करोड़ का नुकसान किया। उनके जो ट्रक थे वे 18 से 22 दिन तक बॉर्डर पे रोक रख के मिलिट्री लगा के, वहां के किसानों ने संपर्क किया, क्योंकि संयुक्त मोर्चा देश में बन चुका है, तो हम वहां पे गए। अब की बार उनको कुछ रेट ठीक मिल रहे हैं, क्योंकि जब बहुत हाईलाइट हुआ तो उनको कुछ रिलीफ मिली। यही हाल बिहार के जो अपने दूसरे स्टेट है वहां पे भी यही हालात है। अकेले मक्का के सर्वे वहां पर आए, 1 साल में 5,000 करोड़ रुपए का मक्का के किसान को नुकसान वहां पे है। बाहर की कंपनियां जो पॉपकॉर्न हम यहां पे लेते हैं, वे सारी ज्यादातर मक्का बिहार में पैदा करवाते हैं, सारी कंपनियां वहां से खरीदती है। वहां पे मंडियां खत्म कर दी, जो बाजार समिति उसको बोलते थे उसको खत्म किया। वहां पे चावल को हाफ रेट में खरीदते हैं और महंगे रेट में बड़ा व्यापारी उसको बेचता है। हम यहां पे अगर कर्नाटक और साउथ इंडिया की हम बात करेंगे तो यहां पे नारियल का किसान का भी यही हाल है। हम बहुत बोलते हैं कि आप नेचुरल फ्रूट, नेचुरल पेय पदार्थों का इस्तेमाल करो, बहुत वीडियो हम बना बना के डालते हैं, लेकिन यहां के किसान को उसका रेट नहीं मिलता। चुकी ने बताया कि यहां और ज्यादा नुकसान अब का हुआ, क्योंकि बाया श्रीलंका, बाहर का पाम ऑयल, बाहर का जो खोपड़ा, जो ड्राई नारियल होता है उसका पाउडर यहां पे आ रहा है, उस पर टैक्सेस नहीं है, उससे कौन बनेगा? यहां का जो किसान है वो पूरा बर्बाद होगा। तो एक लड़ाई देश में फिर बड़ी लड़ी जाएगी, उसमें बहुत लोगों का सहयोग उसमें चाहिएगा। एक बड़ा आंदोलन देश में फिर से MSP गारंटी कानून, हमने उसका नाम दिया है मोदी MSP गारंटी कानून, क्योंकि सब जगह जब नाम मोदी का ही आ रहा है तो भाई जो हारी हुई चीज है तो उसका नाम भी मोदी का ही लेना पड़ेगा। वो गारंटी कानून, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, ये बड़े सवाल है। तो हमें उम्मीद है कि CM साहब यहां पर होंगे, अपने स्टेट में गन्ने का किसान है, नारियल का है, यहां पे वेजिटेबल्स है, धान का किसान यहां पे है,
तो यहां पे सरकारों की पॉलिसी लेकर आओ, क्योंकि कंपटीशन का जमाना अब है। आपका चेहरा किसान का, गांव गरीब का लगना चाहिए। ये पॉलिसी लेकर आओ आने वाले टाइम पे, क्योंकि जब हम यहां से जाएंगे तो लोग कहेंगे कि जी गन्ने के रेट का क्या रहा, चीफ मिनिस्टर के साथ में मीटिंग करी, बहुत कमेंट्स आएंगे। तो यह है कि जहां जहां पे भी विपक्ष की सरकारें हैं वहां पे बहुत मजबूती से आपको काम करने की जरूरत है। ये किसान देश का नौजवान, आदिवासी महिलाएं, ये आप अपने उस पर काम कर रहे हैं, और हमारी सबकी जो आज यहां पर लोग इकट्ठे हुए, गोरी के प्रति संवेदना हमारी है, हम उनके विचारों को आगे बढ़ाए। हमारे जो पत्रकार बंधु हैं उनके विचारों को आगे बढ़ाएं, जो हमारे सब लोग यहाँ पे हैं उन विचारों को हमको आगे बढ़ाना चाहिए। इसी के साथ में आप सब लोगों का धन्यवाद, जो यहाँ पे आए उनका सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।